He's a famous YouTuber. He has more than 1 million subscribers. So you might win. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर देख लेना, ये आपका फूड ट्रक है, आपका देखना तो बनता है। तो they'll take like 10-15 dogs एक साथ। कुत्तों को घुमाने के लिए यहाँ पर पैसे मिलते हैं। सही है जनाब। $7 के छोले भटूरे हैं। अमृतसरी कुलचा इज ये है जनाब विनायक। कैसे आप? बहुत शुक्रिया। हाँ, अरे दिख रहा है। हाँ दिख रहा है अभी। हाँ, या, या, धीरे धीरे दिख रहा है। गोल्डन पार्क के सामने जाएंगे। I think the most photographed bridge है वो वर्ल्ड का। अभी तक थोड़ी देर पहले तक नीला आसमान था, अब थोड़े बादल आने लगे हैं। तो ठीक है, सूरजनगर में है एप्पल और पहाड़गंज में है गूगल। और ये पहाड़गंज और सूरजनगर यहाँ अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को में। ये अपना बाजार, मतलब अपना बाजार का रेस्टोरेंट। एरिया कौन सा? सनीवेल। क्या नाम बताया? सनीवेल को क्या बोलते हैं? सूरजनगर। तो बेसिकली वहाँ पर एक अपना बाजार है जहाँ पर सारे हिंदुस्तानी चीज़ें हैं। यहाँ मेन्यू जब देखा तो थाली, पराठा, चाट, पानी पूरी, बॉम्बे वड़ा पाव, कुलचा। मेरा मन हुआ, अच्छा कुलचा भी है, अमृतसरी कुलचा और छोले भटूरे। मैं तो छोले भटूरे खा रहा हूँ। $7 के छोले भटूरे हैं। अमृतसरी कुलचा इज $6। आप क्या थाली खाने वाले हैं या कुछ और ऑप्शन भी है? थाली खाने वाला, शायद वड़ा पाव भी ले लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। मैं तो फिलहाल बहुत ज़ोर से भूख लगी और छोले भटूरे देख के तो और मन कर रहा है मेरा खाने का। ओके, यहाँ लोग पैदल चलने में उनकी हालत खराब हो जाती है, इतनी चढ़ाई है, वर्कआउट हो जाएगा। और यहाँ अगर जैसे दो चार गाड़ी पीछे लग जाएंगी तो उनको तो बहुत दिक्कत होगी। मुश्किल है हाँ, बट ऑटोमेटिक पे थोड़ा बेटर है, जब फिली गया था पूरा फर्नीचर मैंने ट्रक भी डाल के मैंने खुद चला लिया। बहुत कन्वीनियंट होता है, वरना अगर किसी को हायर कर रहे हो बहुत एक्सपेंसिव है। इन जनरल यूएस में लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसे ऑप्शन बहुत सही है लाइक यूहॉल या एंटरप्राइज ट्रक्स। फिर से वो इतना वापस नीचे जा रहे हैं। ये अमेजिंग है, ये हैरान कर रही है। उनके पास टाइम नहीं होता हाँ लाइक कुत्ते को बाहर लेके जाने के लिए, तो उनको हायर कर लेते हैं। टिकट पेड हाँ, तो दे'ल टेक लाइक 10-15 डॉग्स एक साथ। कुत्तों को घुमाने के लिए यहाँ पर पैसे मिलते हैं। सही है जनाब। हाँ, ये अमेरिका मस्त है, फुल टाइम जॉब ऑफ अपॉर्चुनिटीज है सच में। उनका प्रोफेशन है डॉग वॉकर। डॉग वॉकर सही है, किसी के कुत्ते घुमाओ और पैसे कमाओ। वैसे वो डॉग वॉकर के लिए एक ऐप है उबर हाँ, की तरह। अच्छा, कि ऑन डिमांड डॉग वॉकर। हाँ, डॉग वॉकर मिल सकता है ऐसा टाइप। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड, ऐसा नहीं कि हर दिन एक ही बंदा आएगा। उबर टाइप मॉडल भी है कि कुछ दिन में लाइक बिजी हो गए तो फिर डॉग को वॉक करने के लिए एक दिन के लिए हायर कर लिया। अच्छा। बेसिकली आई थिंक कैलिफोर्निया में हर चीज़ के लिए एक ऐप है। बेसिकली अभी सिलिकॉन वैली में हम लोग हर चीज़ के लिए एक ऐप। साढ़े 10 बजे उतरा था मैं इस शहर में, अब 1:10 हो रहे हैं, तो 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। और हमें भी विनायक भाई से मैं यही कह रहा था कि ये शहर इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे होता है ना कुछ शहरों से प्यार हो जाता है, ये उनमें से एक है। ऐसा मैंने शायद कभी वीडियोज़ में अपनी बात, ये वाली बात मैंने नहीं करी होगी क्योंकि फ़ील ही नहीं हुआ, और यहाँ मुझे वो फ़ील हो रहा है। मौसम यहाँ का इतना अच्छा है, शहर देखने में इतना अच्छा लग रहा है। ये US कभी भी मेरे लिस्ट में नहीं था कि मैं यहाँ पर रहूँ। यहाँ का कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन वो शायद मैं US अगर कभी सोचूंगा कि रहना चाहिए मुझे, वो शायद सैन फ्रांसिस्को की वजह से होगा। वो ये एक पार्क है ना कोई, तो
थोड़ा चैलेंज ये है जो अभी आप कर रहे हो ना, पार्क करना ढलान के ऊपर, ये हो गया। और अभी बेसिकली टायर को चेंज करना एंगल कि ये अगर स्लाइड करेगा तो फिर कर्व की तरफ जाएगा। सबके टायर्स इस तरीके से घूमे हुए हैं, अगले टायर उसका, ये पिछले वाले का भी, सभी के अगले टायर्स ऐसे घूमे हैं ताकि बाई चांस कार अगर पीछे जाती है, जैसे ये वाली भी कार अगर पीछे जाएगी तो बस वो कर्व पे रुक जाएगा, बेसिकली कर्व पे रुक जाएगा। या आपने क्या नाम बताया था? अलामा स्क्वायर। अलामा स्क्वायर, ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा, मज़ेदार। और डाउनटाउन कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये इसको पेंटेड लेडीज़ बोलते हैं। पेंटेड व्हाट? पेंटेड लेडीज़। लेडीज़, ओके। हाँ, तो ये जो लाइक कितना कंसेक्यूटिव सिक्स हाउसेज अलग अलग कलर के। हाँ, तो ये बहुत सारी मूवीज़ में भी आते हैं, लाइक आई थिंक अगर किसी ने एक फुल हाउस करके एक शो है। अच्छा, तो वो ये आता है। ये नॉर्मल से घर ही है, नॉर्मल घर ही हैं, लोग रहते भी हैं। अच्छा, लोग उनको परेशान भी होता है कि इतने सारे लोग फोटो लेते हैं, बट ट्रेंड साथ हो गया कि एकदम लाइक इनके सामने फोटो लेना, फोटो लेना है। यार मुझे अच्छी बात ये भी है, एक तो शहर बहुत अच्छा और एक आपकी कंपनी होने की वजह से भी मतलब जो चीज़ें पता है। इनफैक्ट मैं तो कमी बोल रहा हूँ, आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ऐसे के लोकल्स होंगे। हाँ, जो बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है ये कुछ भी बोल रहा है, बट नहीं, मैं अगर अकेला घूम रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ नहीं आता। अलग अलग कलर के हैं और या श्योर अच्छा ठीक है। He's a famous YouTuber. He has more than 1 million subscribers. So you might come in. You might make an appearance. Oh my so, God, what did you sir? My channel's name? Yeah. Mountain Trekkers. This is Instagram or? Yeah, Instagram. Oh, okay. So yeah, I'm on Instagram. Yes. And that's me. On the top. Thank you. Okay, bye-bye. Have a nice day. बहुत ही ज़्यादा खड़ी हुई है और यहाँ बहुत सारी तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। नाम है लोम्बार्ड स्ट्रीट। हाँ, ये गजब थी है। हाँ, ऊपर जाके छोड़ दो कहीं पे भी, बेसिकली वो स्कूटर्स है उबर की तरह। हाँ, तो आप खोले आप में मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे है वो स्कूटर्स एंड ऑल ओवर द सिटी, हर जगह पे मोस्टली मोस्ट जहाँ पे भी लोग जाते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। कहीं पे भी उठा लो, फिर जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे छोड़ दो। अच्छा, फिर लॉक करने की भी जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा एंड देन पेमेंट भी सब कुछ ऑटोमेटिकली कार्ड से। हाँ, सब कुछ सेट है। अच्छा, वो कंपनी है वो पीरियोडिकली नीचे ट्रक में लाके सारे थोड़ा कंट्रोल करते होंगे, बट इनफैक्ट बहुत सारे लोग कम्यूट के लिए भी यूज करते हैं, लाइक हर दिन सुबह ऑफिस जाते हैं। स्कूटर बोलते हैं इसको। अच्छा, लाइक इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओके, ग्रेट। पियर 39 के पास में ही है। अच्छा, 2 मिनट्स ड्राइव। ओह, ये आप क्या कर रहे हैं? ये नंबर नोट कर रहा हूँ, तो ऐप से पे कर सकते हैं। ओह नाइस। अच्छा, पार्किंग स्पॉट है। ग्रेट। आप में यानी आपने स्कैन किया उसको कुछ? नहीं, वो नंबर नोट कर लिया, ये जो बेसिकली स्पॉट के लिए पे कर रहा हूँ। अच्छा, आप में ये स्पॉट
डालने के बाद पे कर सकते हैं 3260730 आप ऑर्डर में डालेंगे ऐप में और उसके लिए पे करेंगे तो ओके 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 नाइस वी सी हियर अच्छा वो भी टूरिस्ट गाइडेड टूर ये भी अच्छा तरीका है रिक्शा में गाइडेड टूर अपने यहाँ पर भी ऐसे हो रिक्शे वाले गाइडेड टूर कराएं कितना बढ़िया ना लाल किले के सामने वो मंदिर पूरा आगे फतेहपुरी मस्जिद तक दिल्ली में तो यहाँ हॉट चॉकलेट का सेवन करने के लिए हम जा रहे हैं नाम है गिरार दिल्ली स्क्वायर दिल्ली भी अभी ये सिलिकॉन वाली है ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एक्चुअली वेमो टेस्ला के सारे ट्रायल्स यहाँ पे हो रहे हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आई थिंक वेमो का सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया यहाँ पे इसका वेमो वेमो हाँ तो एक कंपनी है वेमो आई थिंक गूगल का ही है बेसिकली ड्राइवर कोई नहीं रहेगा कार आएगा आप अंदर बैठ जाइए डेस्टिनेशन डाल दीजिए वो ड्रॉप कर देगा और वो मतलब एक्सपेरिमेंट में अभी बीटा स्विच में नहीं चल रहा है अभी आई थिंक फीनिक्स में तो चल रहा था बहुत टाइम से अच्छा, दो तीन साल तक अच्छा अभी बेरिया में जस्ट आया अरे एज यूजुअल यूनिवर्सिटी कैंपसेस मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं और मुझे इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि होते हैं ये है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस बे एरिया में जनाब लेकर आए हैं विनायक भाई और ख़ास बात ये कि इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग यानी पीजी मास्टर्स डिग्री बेसिकली हमने यहाँ से की थी है ना सिविल इंजीनियरिंग एक बड़े जानी मानी हस्ती हैं हमारे इंडिया में और हमारे बहुत ही बड़े जाने माने एक यूट्यूबर हैं आज उनके फूड ट्रक पे जा रहा हूँ वो रहा सामने पाव भाजी हट नाम है जनाब का हमारे निकुंज भाई और वो रहा सामने उनके बहुत सारे फूड ट्रक्स हैं अरे देखना होगा कि कितना अरे अब उनमें से कौन सा इंडियन ट्रकिंग स्टॉप हो गया ये हाँ यहाँ तो बहुत सारे मुझे लगा सारे यही है लेकिन अब इनमें से कौन सा है फूड ट्रक ये देखना पड़ेगा उनका निकुंज भाई का जो चैनल है उसका नाम है बी यूनिक बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की उन्होंने और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर हो तो फूड ट्रक ज़रूर जाना वड़ा पाव खाना तो वड़ा पाव बेसिकली मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ आमची मुंबई लिखा हुआ था एक फ़ोटो में देखा था देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा है आमची मुंबई वाला फूड ट्रक और इंडियंस हैं यहाँ पर देसीज दिख रहे हैं लेट्स सी तीन चार फूड ट्रक्स हैं यहाँ पर अब इनमें से कौन सा हुआ देखना पड़ेगा अभी ये एरिया कौन सा है सनीवेल के पास में ये सनीवेल है हाँ सनीवेल में हैं हम सनीवेल में है जनाब का फूड ट्रक जहाँ मुंबई या इंडियन खाना खाने को मिलेगा सही जनाब चलते हैं वैसे निकुंज भाई मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था इस चक्कर में मजाक कर रहा हूँ खा कर आया हूँ लेकिन होता है ना जब शादी वादी में जाते हैं कहते हैं कि आज तो मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया मैंने ऐसे ही मजाक कर रहा था अरे मगर आप स्मेल कर पा रहे हैं वो हाँ फ्रेग्रेंस तीन इंडियन ट्रक्स हैं तो होना ही था ये तो ना अब इसमें से आमची मुंबई वाला कौन सा है अच्छा वैसे यहाँ पर नेपाली हिमालयन फूड भी है वहाँ पर कुछ टाको मतलब कुछ मैक्सिकन है आपका ट्रक या वहाँ फ्रेश इंडियन फूड है और इधर पाव भाजी हट मेरे ख्याल से यही होगा सामने मिल गया फूड ट्रक मिल गया वो रहा फीस्ट इंडिया कंपनी नाम लिखा हुआ है पीले रंग के बैकग्राउंड में काला काला फीस्ट इंडिया कंपनी और आज यहाँ पर क्या मिलेगा ये देखते हैं वेरी गुड यहाँ मिलेगा मिसल पाव दही मिसल पाव जैन मिसल पाव वड़ा मिसल वड़ा पाव बटर चीज़ वड़ा पाव मैंगो लस्सी तो खैर फॉरनर्स की पहली पसंद होती है पता नहीं क्यों मैंगो लस्सी हम लोग तो पीते नहीं मैंगो लस्सी लेकिन जिस भी विदेशी को सुनता हूँ हाँ मैंगो लस्सी ज़रूर पीनी है बाकी मसाला चाय कटिंग चाय और पानी तो ये सब कुछ पानी $1 से लेकर $10 में ये सारा का सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध है
मैंने एक सजेशन ज़रूर दिया कि यहाँ पर अगर हमारे निकुंज भाई की फ़ोटो लगी हो तो, जैसे मैं थोड़ा भटका रहा अभी, अगर यहाँ होती सर आमची मुंबई लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो शायद मैं फटाफट यहाँ आ गया होता। खैर फिलहाल मैं निकुंज भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर देख लेना, ये आपका फूड ट्रक है, आपका देखना तो बनता है। तो अब मैं वड़ा पाव खाने वाला हूँ, और वड़ा पाव के बाद आज करीब 20 साल के बाद मैं मिसल पाव खाऊंगा। तारापुर में जब मैं था स्कूल में, ट्यूशन जहाँ मैं जाता था, तो वहाँ मेरे जो कोच थे, जो मेरे ट्यूटर थे, वो पास में एक बाज़ार था, वहाँ पर वो एक बार उन्होंने मिसल पाव पार्टी दी थी, तो वो मुझे याद आ रहा है आज भी। थोड़ी देर में मुझे मिसल पाव मिलने वाला है। यहाँ भाईजान है हमारे, क्या नाम है आपका? श्रेयस भाई बता रहे हैं कि इसका टेस्ट ऑथेंटिक मुंबई वाला है। अब वो मैं टेस्ट करता हूँ अभी कैसा होने वाला है। बट यस, बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने, जब मेरी बात हुई निकुंज भाई के साथ में कि मेरा फूड ट्रक वहाँ पर है। बस एक फ़ोटो ज़रूर लगा लेना अपने यहाँ पर, ताकि कन्फ्यूजन हो, मैं सीधा यहीं पर आऊँगा। आपको कुछ कहना है? नहीं, सजेशन अच्छा है, फोटो लगानी चाहिए। या फिर हम सोच तो रहे थे कि टीवी लगा के उनका वीडियो ही प्ले करते रहे, वो और भी अच्छा है। भाई का वीडियो ही प्ले होता, मतलब मुझे पूरा यकीन है कि ही इज़ सो पॉपुलर कि यहाँ पर बहुत सारे उनके मतलब सब्सक्राइबर्स यहाँ पर होंगे डेफिनेटली। अगर उनको पता होगा कि उनका ट्रक यहाँ पर है, अच्छी देर होगी आपकी। नहीं, जब वो आते तब तो आते ही है, मिलने अच्छा। फैन फेस्ट हो ही जाता है और काफ़ी लोग आते हैं। राइट, ओके, वेट, खाया जाए वड़ा पाव। मगर आपका, आप पक्का नहीं खाने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं खा, ये वैसे बड़ी अजीब बात, मैंने इनसे पूछा आप क्यों नहीं खा रहे हैं, मैं खाना खा कर आया हूँ। मुझे नहीं पता था ना आप कैमरा शुरू करोगे, कर लो ना। चलो ठीक है, मैं मज़े ले रहा हूँ वड़ा पाव के। जगह सिलिकॉन वैली है, एक्सपेरिमेंट्स लोग करते हैं, लेकिन दिख रहा है सामने एक्सपेरिमेंट्स किस किस हद तक करते हैं। सामने वो भाई साहब क्या बनाया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखने लायक चीज़ है। आई थिंक एरोडायनेमिक्स के लिए कुछ सूट पहना है शायद। लग रहा है लाइक शेप से लग रहा है कि एरोडायनेमिक्स के लिए। हाँ, अजीब ही लग रहा है। हाँ, बहुत अजीब है। अरे उन्होंने तो कुछ वो भी पहन रखा है आँख में, वो रियर व्यू। अच्छा, रियर व्यू वही है क्या?